येस गेट रेडी फॉर द हिंदी डिक्टेशन टेकन फ्राम रामधारी गुप्ता खंड वन कंटेनिंग फोर हंड्रेड वर्ड्स एट द स्पीड ऑफ एटी वर्ड्स पर मिनट लेट स्टार्ट थ्री टू वन स्टार्ट उपाध्यक्ष महोदय वर्तमान वित्त अधिनियम सदन के सामने प्रस्तुत है इस बिल पर मुझे बोलने के लिए आपने समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ इस बिल का एक विशेष महत्व इसलिए भी है कि यह संकटकाल में पेश हुआ है चीन ने हमारे देश पर हमला किया देश पर संकट आया राष्ट्र को चुनौती मिली और इस चुनौती को हम सबने स्वीकार किया जिसके लिए पैसे की आवश्यकता हुई इसको वित्त मंत्री ने बड़ी कुशलता से देश के अंदर और देश के बाहर से जुटाया इस बिल का महत्व इसलिए भी है कि हमारी पंचवर्षीय योजना के मध्य में ही यह बिल आया है देश में बड़ी बड़ी योजनाएं अभी अधूरी हैं जिनका पूरा होना देश के लिए बड़ा आवश्यक है इसके लिए भी बहुत बड़ी धनराशि चाहिए देश पर संकट आया और देश जागा कोने कोने से लोगों ने पैसा और सोना दिया और अपने लड़के तक फौज में दिए इस देश में किसानों और गरीबों का जो वर्ग है उसने भी दिल खोलकर इसमें सहयोग दिया उसके बाद जो उन पर अधिक बोझ कर के रूप में पड़ रहा है या अनिवार्य बचत योजना के रूप में पड़ रहा है उसको भी वे खुशी खुशी सहन करने को तैयार हैं परंतु वे सरकार से भी कुछ चाहते हैं वे चाहते हैं कि उनकी जो गाढ़ी कमाई का पैसा है खून पसीने का जो पैसा है वह व्यर्थ के कार्यों में न जाए और उसका सदुपयोग हो इसके अतिरिक्त उनकी कुछ अपनी दिक्कतें और परेशानियां हैं उनकी और सरकार का ध्यान चाहिए इस आपातकाल के समय मैं तो उनको इन आए दिन की कठिनाइयों से राहत मिलनी चाहिए ऋण लेने में और अन्य कार्यों में जो अड़चने पड़ती हैं वे दूर की जाएं। किसान भारत की रीढ़ है अगर इनको सुविधाएं दी जाएंगी तो देश आगे बढ़ेगा आज जहां देश के साधारण लोगों ने इस सरकार का हाथ बटाया वहां एक वर्ग ने जो कि धनी वर्ग कहलाता है अपने साधनों के अनुसार सरकार के सुरक्षा कार्यों में सहायता नहीं की मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने बिल्कुल सहायता नहीं की लेकिन अपनी स्थिति के अनुसार सहायता नहीं की जहाँ तक योजनाओं का संबंध है इस देश को समृद्धशाली बनाने के लिए योजनाओं पर काफ़ी काम हो रहा है पूर्ण विराम ओवर